सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोग मैं इस टाइप के हेयर में कलर करने भी सिखाने वाला हूँ कि इस तरीके से रियलिस्टिक हेयर कलर कैसे करते हैं। प्लस मैं ये वाला हेयर अपना सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे आसान तरीके से कैसे मतलब उंगली पेंसिल को कैसे चलाना रहता है हेयर में, किस तरीके से घुमाना रहता है, किस तरीके से रोटेट करना रहता है, सारा चीज़ सिखाने वाला। और आप लोग इसका पुराना फोटो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से दिख रहा है, ना तो फेस वाइट है ना तो चेहरा अच्छे से दिख रहा, कुछ भी अच्छे से नहीं दिख रहा। और प्लस में यहाँ पर देख सकते हैं हेयर कितना कितना खराब है, कितना बेकार, कितना गंदा दिख रहा है, जो कि हम लोग फोटो क्लिक करवाते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग को प्रॉब्लम जो आ जाता है कि हम लोग का जो हेयर है वो इधर उधर बिखर जाता है, ठीक ना। तो ये चीज़ आप लोग को सिखाऊंगा कि आप लोग अपने हेयर को बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह कैसे इस तरीके से एडिटिंग करेगा, जो कि बहुत ही इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्योंकि जैसे फेस स्मूथ वायरल चल रहा था एकदम उसी तरीके से हेयर एडिटिंग इस टाइम एकदम वायरल में चल रहा है। हर कोई हेयर एडिटिंग पसंद कर रहा है क्योंकि भाई लड़के हैं तो लड़कों को खूबसूरती बाल ही होता है, इसलिए हर लोग हेयर एडिटिंग पसंद कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि हर मतलब भाई लोग करने अच्छे से कर नहीं पा रहे। तो वही चीज़ सिखाऊंगा कि आप लोग अच्छे से हेयर एडिटिंग कैसे करिएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोग को अपने फोटो को ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर में शेयर करना होगा। तो शेयर करने के बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके के आप लोग को अपना फोटो कर लेना। तो आप लोग को यूट्यूब पर तो बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा इस तरीके से फेस वाइट करना, बैकग्राउंड को ब्लैक करना, इस तरीके से बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आप लोग हेयर एडिटिंग का वीडियो जल्दी कहीं नहीं मिलने वाला जैसा मेरा है, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग को अगर इसी फोटो को चाहिए तो इस वाले फोटो का भी मैं ट्यूटोरियल देकर के रखा हूँ। तो आप लोग को आई बटन पर प्लस में आप लोग को वीडियो का लास्ट में इस वाले वीडियो का लिंक आप लोग को मिल जाएगा, ये वाला वीडियो आप लोग को वीडियो का लास्ट में मिल जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान से देखते जाइए और हेयर एडिटिंग सीखिए, फिर बाद में आप लोग फेस वाइट करना सीख सकते हैं, ठीक ना भाई। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, आप लोग इस तरीके का हेयर एडिटिंग करने के लिए आप लोग आना होगा सबसे पहले ब्रश वाला ऑप्शन। यहाँ पर देखिए आप लोग को बहुत सारा ब्रश मिल जाएगा, ठीक ना। लेकिन आप लोग इसमें से लेना कौन सा, कौन सा ब्रश लेकर आप लोग अच्छे से हेयर एडिटिंग करना आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो आप लोग यहाँ पर देखिए हेयर को एडिटिंग करने के लिए आप लोग यहाँ पर हेयर नाम के वाला ब्रश मिलेगा, ठीक ना भाई। तो आप लोग इस वाले ब्रश को लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ब्रश है। तो इसका सेटिंग सही तरीके से बनाना है, तो जितना अच्छे से आप लोग सेटिंग बनाएगा आप लोग का हेयर में जो ब्रश है उतना ही परफेक्टली तरीके से चलने वाला है। तो इसका मैं भी आप लोगों को सेटिंग बनाने में सिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ब्रश का जो टाइप है यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड है, ठीक ना। इसको हम लोग करेंगे स्मज पर क्लिक करेंगे, स्मज पर क्लिक करके सेटिंग बनाएंगे बिल्कुल रियलिस्टिक हेयर की तरह चलना चाहिए। तो इस स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर पर स्मज का ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग स्मज का ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो अब देखिए हम लोग का ब्रश का जो टाइप है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, फॉलो को कम करेंगे, इस तरह को हम लोग देखिए बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ से साइज हम लोग अपने हेयर के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चला कर भी देख लेते हैं कि हम लोग के हेयर में किस तरीके से चल रहा है। देखिए बिल्कुल रियल बाल जैसा होता है ना, देखिए सेम उसी प्रोसेस से चल रहा है। तो हम लोग के हेयर में चलाना किस तरीके से, तो आप लोग देखिए ये चीज़ में अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अच्छे से बता दे रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का हेयर जो है यहाँ पर कुछ ज़्यादा निकला हुआ है, ये वाला पार्ट। अगर हम लोग इस वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे कुछ इस तरीके से, हम लोग का हेयर का शेप देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक ना। तो इसको रिमूव करेंगे, कौन सा पार्ट रिमूव करेंगे, ये वाला पार्ट को हम लोग रिमूव कर देंगे। तो रिमूव कैसे करना है ध्यान से देखिए, सारा चीज़ सीख जाएगा और आप लोगों को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है। तो आप लोगों को ट्रांजिशन पाना है, ट्रांजिशन मार करके आप लोग यहाँ पर देखिए मिलेगा बाल पॉइंट पे, ठीक ना। तो इसको ले लेना, इसका सेटिंग देख लीजिए बस नॉर्मल रहेगा, ठीक ना। स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और इसको देखिए चलाना किस तरीके से, इधर की साइड में इसे खींचना है, ठीक ना। ये इधर की साइड में लाना है, इधर की साइड में कुछ इस तरीके से ला करके मतलब इसको इरेज करना है, बैकग्राउंड से हम लोग ये वाला कलर को इधर खींचना है, ठीक ना। तो देखिए सारा चीज़ सिखा रहा हूँ एकदम आसान तरीके से। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अच्छे एकदम बिल्कुल अच्छे एकदम आसान तरीके से एकदम हेयर एडिटिंग बिल्कुल करिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि मैं सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता रहता हूँ कि आप लोग कैसे कैसे करना है। देखिए कुछ इस तरीके से रिमूव कर लिए, अब क्या करना है थोड़ा सा ब्रश का साइज को हम लोग छोटा कर लेना और छोटा करने में देखिए हम लोग कुछ इस तरीके इधर के साइड में इरेज कर देना, बिल्कुल परफेक्टली तरीके से करना है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैं आप लोग को सामने ही कर रहा हूँ ना। आप लोग खुद देख सकते हैं कितना आसान तरीके से आप लोगों के सामने करता जा रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से एकदम आसान तरीके से आप लोगों को भी करना। हार्ड तरीका बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो, इसलिए बहुत आसान तरीके से देखिए बताया। और फिर देखिए क्या करेंगे हम लोग, आ जाएंगे ब्रश वाला ऑप्शन पर, फिर से इसको हम लोग फिर से इरेज कर लेते हैं अच्छे से। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, फिर से ब्रश वाला ऑप्शन पाना है, नीचे की साइड में जो हेयर वाला ब्रश था इसको फिर से लेंगे, इसका सेटिंग थोड़ा सा हम लोग एक बार छोटा कर लेंगे और यहाँ पर चला लेंगे अच्छे से, ताकि हम लोग हेयर बिल्कुल परफेक्टली दिखे। देखना मेरे भाई देखे थे कुछ इस तरीके से परफेक्टली दिखे। अब फिर क्या करेंगे, इसका साइज हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और बढ़ाने के बाद देखिए हम लोग अपने हेयर में कुछ इस तरीके से चलाएंगे, बिल्कुल धासु तरीका बता रहा हूँ, इतना परफेक्टली तरीका आप लोगों को जल्दी कोई नहीं बताएगा, ठीक है। रियल तरीका देखिए जल्दी कोई नहीं बताता क्योंकि लगता है लोगों को कि जान जाएगा ऐसा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसा लगे, ठीक ना। इसलिए मैं अपना पूरा वीडियो पूरा लाइव प्रूफ सिखाता हूँ, ऐसा ना लगे कि मैं स्किप करता हूँ, ठीक ना। पूरा लाइव प्रूफ सिखाता हूँ कि कैसे कैसे करना है, और देख सकते हैं कितना आसान तरीके से मैं करते जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग करिए, कोई भी दिक्कत आता है तो मेरे से कॉन्टैक्ट करिए, मेरा कॉन्टैक्ट आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएगा।
तो आप लोग वहाँ से जा करके मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर साइड में और उठा लेंगे। मेरे को परफेक्टली हेयर एडिटिंग करना है, तो ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से लुक देता हूँ अपने हेयर में। यहाँ से थोड़ा सा फॉलो को भी बढ़ा लेंगे, आप बस सेटिंग देखते जाए कि मैं कहाँ पर सेटिंग को किस तरीके से करता हूँ, तो आप लोग हर चीज़ हम अच्छे से जान जाइएगा, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ जान जाइएगा। तो आप लोग देखिए कितना अच्छे से मैं करते जा रहा हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी करिए, आप लोग का हेयर बिल्कुल परफेक्टली बनेगा। देख सकते कितना आसान तरीके से मैं करते जा रहा हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को। देख सकते कितना आसान तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से आप लोग अपना हेयर एडिटिंग करना, कोई भी दिक्कत आता है तो तुरंत मेरे से कॉन्टैक्ट करिए। तो अब देखिए क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को चलाना है पेंसिल या फिर पेन हम लोग के हेयर में अच्छे से हेयर एडिटिंग करने के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो उसको देखिए चलाने के लिए आप लोग क्या क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग का हेयर देखिए, अगर मैं हेयर एडिटिंग नहीं लाता तो आप लोग का हेयर देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिखता, अगर मैं हेयर एडिटिंग नहीं लाया रहता तो आप लोग का हेयर देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखता। और फिर अभी आप लोग देखिएगा यहाँ साथ इस तरह पेन पर, अरे ब्रश वाला ऑप्शन पर हाँ सा हम लोग ले लेते हैं डिजिटल ब्रश ले लेते हैं, और डिजिटल ब्रश लेने के बाद इसका सेटिंग ले, इसका कलर ले लेंगे व्हाइट, और व्हाइट कलर लेने के बाद इसका सेटिंग आप लोग देख रहे हैं 0.6 का साइज रखना, ओपेसिटी पूरा 100 रखना। अब देखिएगा जब मैं अपना हेयर एडिटिंग लगा दूंगा अब इस वाले हेयर में, तब देखिएगा हम लोग हेयर कितना परफेक्टली और कितना धांसू दिखने लगेगा। अभी आप लोग देख रहे थे हेयर हम लोग कितना बेकार दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है हम लोग हेयर है कि नहीं। अब देखिएगा जब आपका भाई जब हेयर एडिटिंग कर रहा है पूरा, तब देखिए कितना खतरनाक हम लोग का हेयर रहेगा वो दिखेगा, ठीक है मेरे भाई। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग करेंगे, इस तरीके से करके हम लोग पूरा हेयर में हम लोग क्या करेंगे, पूरा हेयर में हम लोग इस तरीके से चला करके हम लोग अपना हेयर एडिटिंग करेंगे, पूरा कंफर्म करेंगे हम लोग हेयर एडिटिंग पूरा एकदम इसी तरीके से पूरा करना है, ठीक ना। बिल्कुल इस तरीके से आप लोगों को पूरा हेयर में चलाना है ब्रश को, ताकि हम लोग का हेयर बिल्कुल परफेक्टली दिखे, ठीक है। देख सकते कितना आसान तरीके से मैं यहाँ अपना हेयर को एडिटिंग करता जा रहा हूँ, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी क्या करना होगा, आप लोग को अपना हेयर को बिल्कुल अच्छे से एडिटिंग करना होगा, ठीक ना। जितना अच्छे से करेगा, जितना आराम से करेगा, जितना घना करिएगा आप लोग का हेयर उतना ही बेहतरीन दिखेगा, ठीक है मेरे। देख सकते कितना मैं घना करते जा रहा हूँ, बहुत कम टाइम कर रहा हूँ, ये नहीं कि ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, आधा घंटा 20 मिनट या कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। जितना टाइम मैं फेस स्मूथ करता हूँ उतना ही टाइम मैं हेयर एडिटिंग करता हूँ मैं, ठीक है मेरे भाई। तो फेस स्मूथ वाइट करना ऐसा तो बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन आप लोग इस टाइप का हेयर एडिटिंग जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में नया अभी उतना कोई भी नहीं जान रहा है। और हेयर एडिटिंग लाने का मकसद आप लोग को पता ही है कि जो लोग हेयर को ख़राब बोलते हैं उन लोगों को सिस्टम दिखाना कि भाई बाल खराब नहीं होता, अच्छे से हम लोग का यूज करना आना चाहिए, हाथ खराब नहीं होता, पैर खराब नहीं होता, दिमाग खराब नहीं होता, बस हम लोग को अच्छे से यूज करने आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो बिल्कुल अच्छे से हम लोग यूज करेंगे, बहुत मार्केट में मतलब अलग मतलब बेस बनाएंगे हम लोग हेयर को लेकर के। तो आप लोग का सपोर्ट है, अगर 100% बनेगा तो पूरा सपोर्ट करिए, ताकि हेयर का मतलब एक वैल्यू बने मार्केट में कि हाँ कोई ख़राब नहीं होता है, लड़के ख़राब नहीं होते हैं। भाई लड़कों को खूबसूरती हेयर है तो भाई वो थोड़ा सा डिज़ाइन में रखेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन लोग उसको बुरा भला बोलते हैं, ऐसा बेकार है। लेकिन देखिए हम लोग मतलब कुछ करेंगे हेयर से लेकर, आप लोग पूरा सपोर्ट करिए, वीडियो को जल्दी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और खुद करिए, प्लस और भी अपने दोस्त मित्र जो भी उन लोग से करवाइए और हेयर एडिटिंग करिए, और बिल्कुल अपने पोस्ट पर इंगेज पाइए, क्योंकि नया चीज़ है और ट्रेंडिंग चीज़ है, और आप लोग करिएगा तो आप लोग का भी जो हेयर है वो ट्रेंडिंग में जाएगा, और आप लोग का भी फोटो जो है वायरल होने का ज़्यादा चांस रहेगा ट्रेंडिंग में करिएगा तो। और हेयर एडिटिंग को आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करिए और बड़े लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी हेयर एडिटिंग करिए। अब क्या करने वाले हैं, सब ले लेंगे ब्लैक कलर, यहाँ से ब्लैक कलर ले लेके और यहाँ से हमने देखे अपने फेस पर चला लेंगे। तो हम लोग अब इस तरीके से कर लेंगे, और कलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, कलर करने के लिए आप लोग आना होगा लेयर वाला ऑप्शन पर, प्लस वाला पर टाइप करके एक लेयर लेना होगा, इसका ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट कर देना है, ठीक ना। फिर हम लोग कलर वाला ऑप्शन पर रेड कलर ले लेंगे, और रेड कलर लेने के बाद और यहाँ से आप लोगों को ट्रेडिशनल में आ जाना है, ट्रेडिशनल में आपको सॉफ्ट एयर ब्रश मिल जाएगा आप लोगों को, और इसका साइज हम लोग थोड़ा सा कम कर लेते हैं, साइज़ हम लोग इसका कम करके कुछ इस तरीके से सिर्फ ओनली फॉर हम लोग हेयर में चलाएंगे, ठीक है मेरे भाई। इसका साइज़ हम लोग कम कर लेते हैं ओनली फॉर कुछ इस तरीके से, हम देखिए हम लोग ऊपर सिर्फ ऊपर के साइड में इस तरीके से सिर्फ हम लोग के हेयर में चलाना है, और आप लोग एक कलर और ले लेना है, एक कलर हम लोग ले लेंगे येलो कलर, ठीक ना। थोड़ा सा इसको भी हम एक लेवल थोड़ा ऊपर के साइड में सिर्फ मिला लेंगे, थोड़ा सा मतलब ब्राउन मजा रहेगा, देखते इस तरीके से, और इधर के साइड में हम लोग चला लेंगे। और हम लोग मिलेंगे किसी हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक ले जय, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। जय श्री राम।